हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। अब आज हम लोग इम्पोर्टेंट लॉस के बारे में डिस्कशन करेंगे पूरा। तो यहाँ पर पूरे इम्पोर्टेंट लॉस एक साथ देता हूँ तो आपका ये भी एक वीडियो तैयार हो जाएगा पूरा। तो आपको लास्ट लेक्चर में हमने क्या कहा था, डायग्राम भी बनाया था, अब यहाँ पर लॉस भी बना रहा हूँ। ओके, देखिए पहले मैं ले रहा हूँ यहाँ पर सोल्यूशन चैप्टर से हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ क्या होता है, इट स्टेट्स दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड बोल रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखा है देखो, तो सॉल्युबिलिटी जो रहता है, इसको ऐसा लिखते हैं, देखो इसको सॉल्युबिलिटी जो रहेगा, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस ओवर, ऐसा लिखते हैं, एस इज डायरेक्टली। तो अगर हमें डायरेक्टली कौन सा निकाल दिया तो यहाँ पे आ जाएगा के कॉन्स्टेंट आ जाएगा के, सो हेनरीज कॉन्स्टेंट बोलते हैं, के एच भी लिख सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है ना। तो देखो एस मतलब होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन मोल लीटर हो जाएगा, पी होता है प्रेशर ऑफ द गैस हो जाएगा, के हो जाएगा यहाँ पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो यहाँ पे ऐसा आपका फॉर्मूला निकलेगा, तो के एच, इसको एक्चुअली क्या लिखते हैं, के एच लिखते हैं एक्चुअली, सो के एच ऐसा लिखते हैं, के एच। तो देखो यूनिट ऑफ के एच क्या हुआ यहाँ पर, एस अपॉन पी, मतलब एस सॉल्युबिलिटी का लिखते हैं मोल पर लीटर अपॉन क्या होगा बार, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा मोल पर लीटर पर बार, ये आ जाएगा इसकी यूनिट, किसकी, के एच की आपकी ये यूनिट, मतलब कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट की आपकी ये यूनिट आ गई। तो ये आपका स्टेटमेंट और फॉर्मूला दोनों चीज आ गई इसके अंदर। ओके बेटा इतना कर लीजिए, फिर देखते हैं राउल्ट्स लॉ, देखते हैं इनका स्टेटमेंट क्या हो रहा है। इट स्टेट दैट द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। देखो क्या हो रहा है कि देखो पार्शियली पी लिखा है मैंने, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट जो भी होगा सॉल्यूशन में, किसके इक्वल है आपका ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, प्योर के लिए नॉट डालते हैं, तो ये वन दिया है वेपर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट को मैंने पी नॉट लिखा है वन, ये मल्टीप्लाइड बाय या फिर जाई, ये जाई टू लिखा है, जाई टू मतलब होता है मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन, सो जाई टू लिख दिया है, ठीक है। ये इसका छोटा स्टेटमेंट लर्न करना है, ठीक है, रट्टा तो मारना ही पड़ेगा आपको। फिर ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इनका क्या हो रहा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड और बेस बोल रहा है, एसिड के लिए के लिखेंगे, बेस के लिखेंगे के भी, यहाँ पे जनरल लिखा है मैंने, देखो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डाइल्यूशन। देखो अल्फा मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड, एसिड के लिए यहाँ पे के ए आएगा और बेस के लिए यहाँ पर आएगा के बी आएगा, ठीक है ना, इस ठीक है ना, ये याद आएगा स्क्वायर रूट ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, दो मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स स्क्वायर रूट ऑफ इट्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, मतलब सी लिख दिया है, ठीक है ना। उसके बाद लिखा देखो, या फिर यहाँ पर क्या बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के ए, यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, के की जगह पर के ए लिख सकते हैं या फिर के बी लिख सकते हैं, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है आपको डायल्यूशन के साथ, हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डायल्यूशन बोलते हैं हम इसको। तो ये स्टेटमेंट हो गया ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ, एसिड और बेस के लिए रहता है। फिर आता है कोलरॉश लॉ बोलता है, कोलरॉश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, तो मैं भी इसको जैसा अभी आपको याद ही कर लेना है पूरे लॉस पूरे। तो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन, मतलब दो आयन होंगे, एक कैटायन होगा एक अनायन होगा, एंड मेक्स इट्स ओन कॉन्ट्रीब्यूशन, दोनों का बराबर कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब उसका नेचर कैसे भी हो सकता है उस आयन का, ठीक है ना, जो उसके साथ एसोसिएटेड है। ये देखो इसका स्टेटमेंट ये बोल रहा है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन एंड मेक्स इट्स ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ आयन, ठीक, अदर आयन विथ इट इज एसोसिएटेड। ये आपको स्टेटमेंट अच्छे से करना है, कोलरॉस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका फॉर्मूला देखो लैम्डा नॉट इक्वल्स टू एन प्लस पॉजिटिव, फिर लैम्डा नॉट प्लस, फिर यहाँ पे दोनों को क्या करना एडिशन कर देना है, फिर एन ये नेगेटिव आयन इसका लैम्डा नेगेटिव, ये फॉर्मूला उसका भी लिख दिया, तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। फिर रेट लॉ बोल रहा है, रेट लॉ क्या होता है, एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड इक्वेशन विच एक्सप्रेसेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट लॉ। मतलब क्या होता है, कोई भी अगर हमको रिएक्शन लिखा है, मान लीजिए ए लिया हमने, ए को ए से आपने क्या बनाया यहाँ पर बी प्रोडक्ट बन गया, तो आप लिख सकते इसका रेट, रेट इक्वल्स रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यहाँ पे ए है, तो कॉन्स्टेंट लगाए तो क्या हो जाएगा रेट इक्वल्स टू आ जाएगा यहाँ पे के कॉन्स्टेंट ले लिया है और यहाँ पे आएगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या लिया ए, ये हो गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या बोलेंगे रिएक्टेंट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रैकेट से शो करते हैं, ये हो गया रेट लॉ। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो इसके तीन स्टेटमेंट है, तो मैंने छोटे स्टेटमेंट लिए देखती हूँ, द एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंट, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए।
दूसरा है देखो, द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट, कोई भी एक सेपरेट एक सिस्टम है तो उसकी भी एनर्जी कॉन्स्टेंट होनी चाहिए। फिर तीसरा जो स्टेटमेंट है उसका, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड एंड कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे, ये स्टेटमेंट बहुत ईजी है, ये तीन स्टेटमेंट हो गए। फिर आप देखते हैं हेजेस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समिशन। हेज लॉ है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है, जो टोटल टोटल अमाउंट ऑफ हीट होती है, जो इवॉल्व हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है किसी भी रिएक्शन में, वो सेम होगी, चाहे रिएक्शन आप एक स्टेप में लो या फिर नंबर ऑफ स्टेप्स में ले लीजिए, ठीक है ना। जैसे देखो एग्जाम्पल लिखा मैंने यहाँ पर, देखो एक स्टेप में क्या बना, देखो कार्बन रॉड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसकी कितनी एनर्जी है देख लीजिए, -393.5 किलो जूल पर मोल, आ गया कि नहीं, ये देख लीजिए बराबर है कि नहीं, आ गई नहीं इतनी एनर्जी। अब देखो आप क्या, अब ये दो स्टेप लिए, देखो कार्बन को हमने ऑक्सीडाइज किया बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरे स्टेप फिर ऑक्सीडाइज किया बनेगा कार्बन, दो स्टेप में, तो पहले स्टेप में -83, दूसरे स्टेप में -210.5, दोनों का सम कर दो कितना आ जाएगा, -3, कितना आ जाएगा, -393.5 ऐसा है। तो यहाँ पे सम करके लिखा देखो मैंने फॉर्मूले में, दिख रहा है कि नहीं, एक स्टेप में करो या फिर डिफरेंट स्टेप में करो तो आपको क्या मिलेगा, सेम एनर्जी, उसको बोलते हैं हेज लॉ। इतना आपको कर लेना, ये हो गया पूरे लॉस आपके कंप्लीट, ठीक है। अब आप अपने क्या करो, इन सारे वीडियोस को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, और आपके ऐसे वीडियो और आपको आते रहेंगे धीरे धीरे करके आपको, ठीक है ना, आपको सरप्राइज मिलते जाएंगे क्या क्या बना रहा हूँ मैं आगे अभी, ओके। एग्जाम तो आपको पूरा परफेक्ट करूँगा, हाँ कुछ बच्चों सोल्यूशन सोल्यूशन बना रहा हूँ मैं एक साथ, है ना, सब जितने मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उनके मैं आपको सेट कर रहा हूँ, एक 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 मैं अरेंज कर रहा हूँ, एक साथ डालने वाला हूँ, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में, उसके अंदर लिंक लगी हुई है टेलीग्राम की, टेलीग्राम जाके आप चेक लें, थोड़ा एक दो दिनों मुझे और टाइम दीजिए, मैं बना लेता हूँ उसको, बना के डालू, मैं तैयार कर रहा हूँ उसको सॉल्यूशंस, तो एक साथ उसको पीडीएफ हम एक साथ ही पूरे डाल दूंगा 16 चैप्टर के, ठीक है ना बेटा, तब तक आप पढ़ते रहिए इसको। उसमें कहते एक चैप्टर का मैंने हेलीकॉप्टर का मैंने थोड़ा सॉल्यूशन बनाया आप लोग, उसमें थोड़ा देख भी लीजिए, तो उसको टाइम लग रहा था उसके, फिर मैंने छोड़ दिया उसको, तो अभी मैं आपको पूरा पीडीएफ फॉर्म में पूरे दे दूंगा आपको, थोड़ा सा वेट कीजिए आ जाएगा, नहीं तो एक एक डालते जाऊंगा उसके अंदर, चेक करते रहिए टेलीग्राम, टेलीग्राम में जो पुराने सारा जो है ना उसका मटेरियल सब डिलीट मारने वाला हूँ, तो आपको नया मटेरियल दिखेगा आपको अभी, ओके बेटा, चलिए पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय।